सैयद नासिर हुसैन शाह की ताजरों के हमरा मीडिया से बातचीत, इस हवाले से मजीद जानेंगे अफजल खान की रिपोर्ट में। सैयद नासिर हुसैन शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहना था, आज ताजिरों की अंजुमन को गुजारिश करके बुलाया था, इन लोगों को कहा है कि ऐलान पीर तक मौखर कर दें, पीर तक इनके अक्सर मुतालबात पूरे और मसले को हल करेंगे। उनका मजीद कहना था, उन्होंने पुलिस और इंतजामिया के रवैये की शिकायत की हैं, ताजिरों की शिकायत पर SHO सऊदाबाद को रिवर्ट और मुअत्तल किया गया है, जिले सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी ताकि ताजिर तंजीमों और इंतजामिया के दरमियान रबते मजबूत हों, फैसलों में ताजिर बिरादरी से मशावरत की जाएगी, हम नहीं चाहते कि किसी का भी माशी कत्ल हो, हमने पॉपुलर फैसले नहीं किए, लोगों को बचाने के लिए फैसले किए, तमाम फैसले NCOC के तहत किए हैं, वजीर आजम ने खुद निशानदेही की थी कि कराची और हैदराबाद में केसेस बढ़ रहे हैं, जब लाहौर इस्लामाबाद और पिशावर में मार्केटें बंद हुई तो किसी ने बात नहीं की, जिन लोगों ने फिजिकली कत्लेआम किया, बोरीमंद लाशें दी, जलाओ घेराव किया, वो ये बातें कर रहे हैं, सोने पर सुहागा है, MQM और तहरीक इंसाफ हालात पर सियासत कर रहे हैं। अफजल खान, Z110 न्यूज कराची। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।